हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे डोरेमोन, निंजारोरी एंड ओगी की गर्लफ्रेंड्स के ऊपर। तो इस वीडियो को फुल और कंप्लीट देखना और इस वीडियो को अच्छा सा लाइक भी करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, हम फर्स्ट तो डोरेमोन के ऊपर बात करते हैं। तो डोरेमोन की फर्स्ट गर्ल कौन सी टेस्ट है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आज सभी लोग तो जानते ही होंगे कि जब डोरेमोन फ्यूचर में बना तो उस टाइम चोर से वो बिल्कुल नहीं डरता था, लेकिन एक दिन चोर उसके कानों को तोड़ के चले जाते हैं, जिस कारण वो डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में आने के बाद जब उसकी दोस्त उससे मिलने आती है तो वह उस पर हंसने लग जाती है, जिस कारण डोरेमोन बहुत दुखी होता है। दुखी होने के कारण वो एक जगह पे आके बैठ जाता है और वह निर्णय लेता है कि आज के बाद मैं नीला ही हो जाऊंगा, और फिर उसका जो रंग होता है धीरे धीरे उतरने लग जाता है। फिर दोस्तों, डोरेमोन फिर नोबिता के घर पर आता है, जहाँ पर उसकी एक अच्छी सी दोस्त बन जाती है जिसका नाम होता है मीचें। आपने इसको कई एपिसोड में देखा होगा, 1980 के एपिसोड में ये हमें कुछ ऐसी और 2005 में कुछ ऐसी, और आज के टाइम में हमें मीचें कुछ इस प्रकार दिखाई जाती है। तो ये थी डोरेमोन की गर्ल फ्रेंड। तो दोस्तों, आपको डोरेमोन के बारे में कैसा लगता है, मुझे इस पर कमेंट करके जरूर बताएं, डोरेमोन के साथ सही हुआ या गलत। तो दोस्तों, अब हम अपने निंजारोरी के बारे में जानते हैं। तो आपने निंजारोरी में सोनम को जरूर देखा होगा, लेकिन वो कुछ एपिसोड में ही हमें देखने को मिली है, और वो हथौड़ी को भी वो पसंद करती थी, लेकिन न्यू एपिसोड में हमें सोनम नहीं दिखाई जाती है, उसकी जगह हमें कोई दूसरी गर्ल दिखाई जाती है जिसका नाम है ईशा योची, पता नहीं ऐसी नाम है इनका। तो दोस्तों, ये थी निंजारोरी की गर्लफ्रेंड। तो आपको निंजारोरी के बारे में कैसा लगता है, मुझे इस पर कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, हम अपने ओगी के बारे में जानते हैं। ओगी अपना भाई है। तो दोस्तों, अब हम ओगी के बारे में जानते हैं कि ओगी की गर्लफ्रेंड कौन सी थी फर्स्ट। तो दोस्तों, आपने ओली को तो जरूर देखा होगा, लेकिन जो ओगी की फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी वो यह थी। तो आपने इनका फेस जरूर देखा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा क्या होता है ओगी के साथ कि ओगी को इससे दोस्ती क्यों तोड़नी पड़ती है। तो एक बार क्या होता है कि जब जो ओगी की गर्ल होती है तो ओगी ऐसा देख के ना बहुत बुरा महसूस करता है, ओगी के साथ अच्छा नहीं होता है। तो आज सभी लोग तो जानते हैं कि ओगी कैसा है, इतना भयानक गुस्सा उसको उगलाता है कि वो ना उन दोनों को उठा के बाहर फेंक देता है ये सब देख कर। तो ओगी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके पड़ोस में ओली नाम की एक बिल्ली आ जाती है, तो वो उससे अपनी दोस्ती कर लेता है ओली से। तो दोस्तों, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को पूरा देखने आई हो, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।